हेलो फ्रेंड्स, लोटस आयुर्वेद इंडिया के प्रेगनेंसी केयर में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, प्रेगनेंसी में ये एक चीज खाएंगे तो गारंटी बच्चा स्मार्ट होगा। इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं, आपने हमारे YouTube चैनल लोटस आयुर्वेद इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से आपके प्रेगनेंसी से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिसे आप अपनाकर आप और आपका बच्चा स्वस्थ रह सकते हैं। अंडा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और इसी के साथ इसमें पर्याप्त मात्रा में दूसरे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। अंडे में सेलेनियम, जिंक, विटामिन ए, डी और कुछ मात्रा में बी कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जिसकी वजह से अंडे को सुपर फूड कहा जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती हैं, तो अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाल में हुए एक शोध के मुताबिक अंडा हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करने का सबसे अच्छा फूड है। और अगर इसे प्रेग्नेंट व्यूमन अपनी डाइट में शामिल करे तो बच्चा सुंदर और स्मार्ट होता है। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी का मानना है कि कोलिन एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है, और अगर गर्भवती महिलाएं इसे अपनी डाइट में लें तो बच्चे का दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और सीखने की क्षमता पर प्रभाव डालता है। प्रेगनेंसी के दौरान दूसरे महीने से अगर कोलिन का सेवन शुरू कर दिया जाए तो बच्चे की याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, आइए जानें प्रेगनेंसी में अंडा खाने से और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। प्रोटीन का खजाना। अंडे में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो गर्भावस्था के दौरान लिया जाने वाला बहुत आवश्यक है। गर्भ में पल रहे बच्चे की हर कोशिका प्रोटीन से बनती है, ऐसे में गर्भवती महिला अगर अंडे खाती है तो भ्रूण का विकास बेहतर तरीके से होता है। दिमागी विकास के लिए अंडे में 12 विटामिनों का पैकेज होता है और साथ ही कई तरह के लवण भी होते हैं। इसमें मौजूद कोलिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चे के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके सेवन से बच्चे को मानसिक बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है और उसका दिमागी विकास भी होता है। कोलेस्ट्रॉल का सोर्स। अगर गर्भवती महिला का ब्लड कोलेस्ट्रॉल स्तर सामान्य है तो वह दिन में 1 या 2 अंडा खा सकती हैं। अंडे में कुछ मात्रा में सैचुरेटेड फैट भी होता है। अगर महिला का कोलेस्ट्रॉल लेवल अधिक है तो उसे जर्दी वाला यानी पीला हिस्सा भाग नहीं खाना चाहिए। कैलोरी का माध्यम। एक गर्भवती महिला को एक दिन में 200 से 300 तक एडिशनल कैलोरी लेनी चाहिए। इससे उसे और बच्चे दोनों को पोषण मिलता है। अंडे में करीब 70 कैलोरी होता है, जो माँ और बच्चे दोनों को एनर्जी देती है। तो ये थे फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में ये एक चीज खाएंगे तो गारंटी बच्चा स्मार्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी से संबंधित कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रेगनेंसी से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसे आप अपनाकर आप और आपका बच्चा स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।